लेने के लिए जाए रे चिनकटा कहाँ जाते है वो भाभी। हाँ लला देवर, हम जा रहे हैं कुंदनपुर। कुंदनपुर अब कुछ दिमाग में आ रहा है? कुंदनपुर में तो लला तुम्हारी जिच्ची है। हाँ तुम्हारी नंद। हाँ हाँ सो का है वो। तुम्हारी नंद की जो नंद है काए, उन्हीं के संग ब्याह है रो। ए तू मज्जे नकटा भाभी, मतलब शुभ कार्य में तू ऐसी बात कर रही है कि तुम मत जाओ कि तुम मत जाओ। मतलब लला देवर हम मजाक कर रही हैं तीन तुम्हें देखे ले, मजाक कर रही हैं हमें। अब ऐसा करो जल्दी झटापट झटापट भाई सहेलियां बुलाओ और हमें दूल्हा बना दो बहुत जल्दी। नकटा फूलो ना समाए रहा हुआ देख ले। चलो जल्दी बनाओ और चौक आ जा। टप्पू अम्मा ला सामान ले आई ला। हाँ, अब भाभी दूल्हा तो बनाने के लिए जा रही है शिशुपाल के लिए, लेकिन दिल में आ जाओ लला देवर यहाँ बैठ जाओ। देवर देवर हाँ देवर बैठो। तो भाभी दूल्हा बना रही है और जैसे ही शिशुपाल बैठो छीक हो गई पटना से पांव पटे जी। तो नकटा पहले से गिर रहा है, पैर फिसल गया शिशुपाल दड़ान से दीना नीचे गिरा है। सहेलियां हंसने लगी शिशुपाल के लगा ए लड़कियां। हाँ भाभी कैसे दांत फाड़ रही हो? कोई बात नहीं लला ने कहा हंसत है ब्याह साथ में तो ने कहा चलती ही है लला की बिली का तो बजा के तो चलती है। ये नकटा के मुंह में सुगा भर के चिंता मत करो ला लला की भी बिली चिंग कर दो। ऐसो सजाऊंगी ऐसो सजाऊंगी कि जाते ही जाते जाके कुत्ता गांव में ना घुसे। भाभी दूल्हा बनाने में जुट जुट जले। अब तो भूरो ही भूरो चमक रहा हूं मैं। बिलीचे कर रही हूं पहले लागी बहुत सुंदर सजाऊंगी मैं को लई रे। भाभी दूल्हा बनाने लगी है शिशुपाल के लिए और शिशुपाल दूल्हा बन रहा है। जेले कितने अच्छे फुर्सत में सजा रही है भाभी फुर्सत में। बहुत अच्छा सजाऊंगी लला को। भाभी जल्दी करो। बिल्कुल चिंता मत करो। यही आईब्रो सेट करवाए ना सब कर रही हूँ मैं अभी। वो ले ले प्लास्टिक वाला धागा ला लला के काजल लगाओ। भाभी दूल्हा बना रही है शिशुपाल के लिए और बैठा हुआ है। इतो बढ़िया सजाऊंगी जाए नकटा को कि ये भूतरा मालूम करे। ऐ जेले कटीलो काजल बहुत सुंदर काजल लगाऊंगी जाए नुक लगा देंगे। लला दिखाइयो भाभी दूल्हा बना रही है शिशुपाल के लिए। बढ़िया लग रहा है लला लिपट के लिए लिपट से फिर भाभी बचाऊ आंख में तो लगा दे। लला जा आंख में कैसे लगा दे पहले नेक दे दे हमें। अरे जो बात है मालूम पड़ते भैंस पड़ा चीर के आओ। भाभी ए भाभी लला पहले नेक दे दे कांग में काजल। अरे बाद में ले लियो ना सो ना है पहले दे दे हमें वो बल्ले पकड़ ला। भगवान करे खूब फटे फूटे। भाभी तिलक लगाए दे तिलक को भाभी भूल जाते सब का। अरे लला तुम जानते हो हम पहली बार कर रही हैं हमें बतानी पत्ते सब बात बतानी तो पत्ती है। और ये 20 रुपए सत्यपाल वस्तोली ब्रह्मपुर के रहने वाले हैं ये भगवान की कथा में 20 रुपए दान कर रहे हैं। भाभी दूल्हा बना रही है शिशुपाल के लिए शिशुपाल बैठा हुआ ला काजल लगाए।
और ये 50 रुपए महावीर साग के उलीपुर निवासी, ये भगवान की कथा में 50 रुपए बैठ कर रहे हैं। भाभी ने दूल्हा बनाया है सिसपाल के लिए और बड़ा सुंदर लग रहा है। देखो काजल सही लग रहा हूं भाभी। हां अब एक नाग पट्टी करी आओ दादा जन नजर ना लगे। वो तो मैं सब कर दूंगी चिंता मत करो। बहुत बढ़िया लगे हो लल्ला जी, बहुत अच्छो चमक रहे हो, दिन में लाइट मार रहे हो। अब एक काम करो, का ला मोहर ले आओ। मोहर? हां तुम नहीं मंगाओ मोहर वो रखो, स्पेशल मोहर रखो। जी तो चाइना को मोहर है, चाइना को है ना, पहले भेंटा डालते हैं ला के। तो भूल भूल के काम करते भाभी तो जमाल में जल्दी करते। अरे ऐसे ना, अरे ऐसे भाभी हमारी भूल जाते हैं, क्या करो जाए। बहुत बढ़िया लग रहा हो लल्ला बजे। हाँ दूल्हा बनाया है सिसपाल के लिए भाभी। ओए जिले मोहर लग गओ। भाभी कंकन तो बांधा नहीं तुमने लला, वो ही रहूँ है सब, तुम एकदम चाहो सो तो नहीं पाओ। ला कंकन बांध। हाँ भाभी जल्दी कंकन बांध दो तो मुझे बोलने आला। और ये 50 रुपए विद्याराम साग के उलीपुर निवासी, 50 रुपए श्री कृष्ण बमनपुरा निवासी, 10 रुपए मुन्ना लाल खुर्द निवासी, 10 रुपए महाराज सिंह खुर्द निवासी, 20 रुपए शिषपाल अजीत नगर निवासी, 20 रुपए अनोखे लाल अजीत नगर निवासी, 50 रुपए शिषपाल गणेशपुर निवासी, 101 रुपए सत्येंद्र सुनगढ़ी निवासी, 50 रुपए रणवीर बमनपुरा निवासी, 50 रुपए शिव कुमार कुसौल निवासी, 50 रुपए प्रदीप बघेल कुसौल निवासी, 50 रुपए कालीचरण यादव उलीपुर निवासी, 50 रुपए रघुवीर बघेल बमनपुरा निवासी। भाभी हो गया कंकन तो बने गो लला। अब देखो जी टाई डाट देना तुम्हारी, ठीक है? और जो कन्यादान का पैसा मिले ना सब जाई डाट जाइयो। और ये 20 रुपए सत्य प्रकाश समस्तपुर निवासी भगवान की कथा में दान कर रहे हैं। और जैसे ही भाभी ने दूल्हा बनाया और तो बिल्कुल लॉलीपॉप लग रहा हूं या तो पंडा से रंबल तो पारे और छीका हो गई घुमाए ले आए।
शिषपाल कहने लगा भाभी जल्दी जल्दी हमारे जो कुआं पे फेरे डलते हैं वो डलवा दो, बाद बाकी हमें निकलने दो। भाभी जा रही है, भाभी घूंघट मार के जाइए, नकटी भेजी भट्टा सो मुंह खोले चली जाए। हाँ देव जेठ बैठे ससुर बैठे तेरे यहाँ पे, तासे ने कद लाज करके जाइए। और भाभी जा रही है शिषपाल को लेकर के कुआं पर। ये होता है कि जब कोई दूल्हा जाता है तो सबसे पहले कुआं की एंट्री करता है चारों तरफ। हाँ तो वही भैया रीति विवाह करने जा रहा है, रीति रिवाज से जाएगा। अब आगे की किसे क्या पता कि पता नहीं क्या होगा, जो होता है वो तो करेगा। तो शिषपाल चल दिया है अपनी भाभी को साथ लेकर के कुआं पे। आ जा एक कुर्सी है भैया यहाँ पे, कुर्सी दे दियो। नहीं है तो कोई ना वो बाद में खड़ा हो जाएगा, कोई बात नहीं बैठ जाओ तुम महाराज बैठ जाओ। जैसे ही भाभी को ए भाभी सुनते ना तू अकेली आई है, कहूँ लेवाई लाती कम से कम आई ना तो जी मुंह कैसे खोल लेते। तो शर्मनाए ने कहूं